फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल में आलू पराठा। उसके लिए हमने लगभग 500 ग्राम आलू लिए हैं। इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, एक चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और एक चम्मच खाने वाला तेल। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा आलू का मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम आटा लगाएंगे। ये हमने 3 कटोरी आटा लिया है और इसमें मैं ये 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ और मौन के लिए ये 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। इस आटे में हमने घी को मिला लिया है। अब हम इस आटे में पानी डालेंगे और इसे गूंथ लेंगे। हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसकी हम जिस साइज में चाहो उस साइज में लोई काट लेंगे। ये मैं इस साइज की लोई रखूंगी। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ऐसे आटे की गोली बना के सूखे आटे में लगा लेना है। सूखे आटे को अच्छे से दोनों तरफ से लेना है और थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे अंदर से भर देना है। इसी तरीके से आलू को लेके इसके ऊपर रख के इसमें भी इस तरीके से आटे को लगा देना है ताकि ये बेलने में आसानी हो, चिपके ना। इस तरीके से इसको लोई को तैयार कर लेना है और फिर आटा लगा के इसे बेलना है। इस तरीके से बेल लेंगे हम। ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारा तवा गरम है, इसको मैंने तवे में डाल दिया है। आंच को तेज कर रही हूँ। जब तक ये पक रहा है तब तक हम एक और बेल लेते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। अब इसमें हम ये तेल लगाएंगे और इसे दूसरी तरफ से भी पलट के तेल लगाएंगे। आंच को कम कर देंगे। हमारा पराठा दोनों तरफ से सिक गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे आलू के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। आप इन्हें बटर के साथ, अचार के साथ, जैसे चाहे वैसे खाइए। ये बड़े ही स्वादिष्ट लगेंगे आपको। मेरा चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।